हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। जय हिंद। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ है बीपीएड का, उसका मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेरे को लगातार मैसेज कॉल कर रहे थे कि सर पेपर कंप्लीट हो गया, उसका सॉल्यूशन दे दो प्लीज सर। और कुछ स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे थे सर पेपर बहुत टफ आया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पेपर टफ और इजी किसे बोलते हैं, आपकी प्रॉब्लम क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरे हाल ही में जो लगातार मैंने आपको स्पेसिफिक वीडियो बनाई थी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के लिए, उसमें से कितने क्वेश्चंस फंसे हैं, और प्रीवियस ईयर की जितनी भी सारी वीडियो उसमें से कितने क्वेश्चन फंसे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, गिनाऊंगा, काउंटिंग करवाऊंगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, ट्रेनिंग मेथड वॉज डेवलप्ड इज, ट्रेनिंग के जो कंसेप्ट है, जो प्रशिक्षण पद्धति का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था। अलग अलग व्यक्ति है, अलग अलग व्यक्तियों ने अपनी अपनी बात रखना शुरुआत की। तो हॉलमर नाम के व्यक्ति, इन्होंने अपनी बात रखी। सबसे पहले मैं बात करूँ 1930 में इन्होंने अपनी बात रखना शुरुआत कर दिया था, ट्रेनिंग में, आखिर में ट्रेनिंग क्या है, और इंडोरेंस के ऊपर अपनी उन्होंने बात रखना चालू कर दी। जॉनसन ने 1916 के बाद बात करी, और फाटलेक तो एक मेथड है, तो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा, आपको आंसर बताऊंगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि मेरे कितने नंबर बन रहे हैं और मैं कितना जो है स्कोर कर सकता हूँ, मतलब आने की संभावना है नहीं एडमिशन की, जो भी है। क्वेश्चन नंबर टू, ये परसों ही बताया था मैंने आपको, फिटनेस इंडेक्स स्कोर कैन बी मेजर, इससे क्या मेजर करते हैं, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, मतलब हम जो ये जो है फिटनेस इंडेक्स स्कोर का इस्तेमाल जो एंड्योरेंस एक्टिविटी जो भी है उसको मेजर करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने आपको बताया था, पर्पस क्या है, फाउंडर क्या है, इन्वेंटर कौन है, कब बना, ये सारी चीज़ बताई। और इस पेपर में ये क्वेश्चन दे दिए, इससे पहले में जाओगे तो बॉक्स पूछ लिया, मतलब लेवल जो क्वेश्चन का है वो सब वही है, उसके अगल बगल की सारी चीजें पूछी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ बात करता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, देखो अगर आप लगातार लगे हुए इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए शिद्दत से, मेहनत से, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रखा है, एक एक वीडियो को देख रखा है, तो 100% मैं आपसे दावे से कह सकता हूं 70+ क्वेश्चन रहने वाले हैं जो लगातार लंबे समय से प्रयास कर रहा हुआ है। जब मेरे पास कोई भी सुविधा नहीं थी, मैं मोबाइल से वीडियो बनाता था, सबसे पहले मैंने कॉग्निटिव चैलेंज के एक वीडियो बना रखी है, आप जाके यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, मोबाइल से बनाए हुए ही वहां से क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख सकते हैं। जब 2020 में या 21 में आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का पेपर था, ये क्वेश्चन वहां से आया हुआ है, चेक कर लेना पुरानी वीडियो। अगर आपको लगता है सर आप झूठ बोल रहे हैं तो मेरे को मैसेज करना, वो वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी का मतलब होता है माइंड से, कॉग्निटिव को मतलब समझ गए तो आप इस क्वेश्चन को कर देते, बट आप कहां जल्दीबाजी में। कॉग्निटिव मतलब होता है माइंड से डिसेबिलिटी, आपकी जो है मेंटल एबिलिटी क्या है। तो देखो डिसलेक्सिया मतलब होता है लर्निंग में कोई दिक्कत होती है याद करने में, डिसेबिलिटी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, चैलेंज होता है, हाइपर एक्टिविटी ये भी इधर से चलती है, हाइपर हो जाना, टेंशन हो जाना, ये सब कॉग्निटिव चैलेंजेज हैं। तो ये टॉक्सिटी ये तो एक अपने आप में अलग ही प्रोसेस है, ये तो गड़बड़ हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए कोई, उसको बोलते हैं। तो ऑप्शन ये तो हो ही नहीं सकता, इसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन अ कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। तो ये जो दोनों हैं ये तो कॉग्निटिव से रिलेटेड हैं, टॉक्सिटी ये नहीं है, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं। हर एक क्वेश्चन अभी तो लगातार हम चल रहे हैं, तीन क्वेश्चन पर डिस्कस किया, तीनों क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। अचीविंग परफॉर्मेंस गोल सिंबलाइज, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है कि लक्ष्य जो प्रदर्शन लक्ष्य प्राप्त करने का जो प्रतीक होता है वो कॉम्पिटेंसी, जिसको हम बोलते हैं स्किल से बनती है कॉम्पिटेंसी हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा स्किल या कॉम्पिटेंसी दोनों, मतलब इसका यही अर्थ है। बट मैं आपको कॉम्पिटेंसी बताना चाहूँगा, एक क्या होता है नियरेस्ट भी देखना पड़ता है कि कोई ऐसा ऑप्शन हो जो बहुत ज़्यादा करीब माना जाता है। मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन बताए, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है साउंड बॉडी साउंड माइंड जो है किसने डेफिनेशन दी, तो यूपी में वो अरस्तु मानता है, दिल्ली में प्लेटो मानता है, आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, और यूपी वाले जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो सब वहाँ अगर एग्जाम देने जाते हैं हरियाणा में उधर अदर स्टेट में, तो उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है, वो चैलेंज करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं नियरेस्ट को लेकर चलते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। ये कल ही परसों ही एक दिन पहले वीडियो बनाई है मैंने, और हेल्थ एजुकेशन की जो वीडियो बनाई है मैंने उससे क्वेश्चन आया हुआ है, देख लो चेक कर लो, रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम,
कि पोटेशियम का जो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है वो बनाना माना जाता है। एप्पल के बारे में बताया मैं, लेमन के बारे में बताया, गवावा के बारे में बताया, सारे क्वेश्चन मैंने बताए। हेल्थ एजुकेशन में दो दिन पहले बनाया और एमसीक्यू सीरीज लाया उसमें ही मैंने आपको बताया, बट देखो उन्होंने गवावा लगा दिया। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये रिपीट क्वेश्चन है, डिटो रिपीट क्वेश्चन है। मैं बात करूं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी का बीपीएड एमपीएड में सेम का सेम क्वेश्चन ऐसे उठा दिया, एक बनाना वाला भी उठा दिया और ये भी उठा दिया। तो एग जो है, मीट जो है, मिल्क जो है, हेल्थ एजुकेशन मैंने आपको पढ़ाया, तो एडिबल जो ऑयल होता है, खाद्य तेल जो होता है, वो फैट का सोर्स होता है, मैंने आपको बताया अभी था, ये प्रोटीन का सोर्स नहीं है, याद रखें इस बात को। चलो भाई नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन, ललित कला अकेडमी वाज एस्टेब्लिश्ड। मैं मान सकता हूँ ये क्वेश्चन अच्छे अच्छे लोग नहीं याद कर पाते हैं, क्योंकि डेट याद करना एक अपने आप में चैलेंज हो जाता है। 1954 में आज़ादी के बाद जब भारत रत्न की शुरुआत हुई तब इन्होंने इसकी शुरुआत कर दी थी। आगे बढ़ते हैं, डेट अपने आप में याद करना चैलेंज हो जाता है, हमारे टीचर को भी प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम होती है, बट डेट याद करने का एक ही तरीका है, बार बार पर उनको देखो सेलेक्टेड डेट है और बार बार पर रिविजन करो। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ एट क्वेश्चन, इन विच ईयर इंडिया पॉवर्टी इंडेक्स इंट्रोड्यूस, मतलब भारतीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष जो है प्रतिपादित किया गया था। ये भी एक अपने आप में दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके लिए चैलेंज वाले रहे होंगे, आपका माइंड जो है डाइवर्ट किया हुआ है। तो वो 1997 में इसकी शुरुआत की गई थी, कौन किसकी रेखा में है। नेक्स्ट दो क्वेश्चन अभी नोट कर लेना, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अब उसके बाद है दी नेम कंजूरानी देवी वाज एसोसिएट विद। अब मैंने आपको बताया था कंजूरानी जो है वो किस खेल से संबंधित है, अभी दो दिन पहले मैंने पेपर सॉल्व करवाया था, ये उसी से आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस बात को आप अच्छी तरीके जानते हैं। कंजूरानी देवी जो थी वो वेट लिफ्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन जो है नोट करते चले आना, जो ऐसे जो रेंज से बारे में आपको काउंट कराना चाह रहा हूँ। तो दसवां क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स आर नॉर्मली हेल्ड आफ्टर हाउ मेनी ईयर, जो मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं वो कितने साल बाद किए जाते हैं, तो इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ये इस क्वेश्चन में यहाँ पर बोल रखा है सामान्य तौर पर राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्षों पर आयोजित किए जाते हैं, तो इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जितनी भी बड़ी बड़ी कॉम्पिटिशन है, जैसे ओलंपिक की बात करूँ, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करूँ, एशियन गेम्स की बात करूँ, चार साल बाद ही किए जाते हैं, आँख बंद करके भी लगाते तो भी सही कर देते, वैसे तो सही कर रखा है क्वेश्चन। चलो भाई इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन है, विच स्पोर्ट्स टूर्नामेंट इज नोन एज एटीपी टूर, किस खेल टूर्नामेंट में एटीपी टूर के नाम से जाना जाता है। एटीपी टूर्नामेंट जो होता है वो टेनिस का टूर्नामेंट होता है, एसोसिएशन टेनिस प्रोफेशनल ऐसे कुछ करके बोलते हैं इसको, ये टेनिस टूर्नामेंट का एक अपने आप में एक हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी दो क्वेश्चन हमारे नोट करते चले आना। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12 क्वेश्चन, हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड रग्बी लोकेटेड इन विच कंट्री, मींस विश्व रग्बी का मुख्यालय किस देश में है, आयरलैंड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, मैंने एक वीडियो शेयर कर रखी थी, इसमें मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल एथलेटिक्स का हेडक्वार्टर, बास्केटबॉल का, जिम्नास्टिक का, और आपकी रग्बी का, क्रिकेट का, फुटबॉल का, ये जो मेजर स्पोर्ट्स हैं इनके हेडक्वार्टर की वीडियो बना रखी है मैंने, आपने देखी होगी तो कर दिया होगा, अगर पेपर देखा होगा तो भी कर दिया होगा। चलो भाई 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रेंज से बाहर है, मैं इस पर बताऊँगा, ये तीन क्वेश्चन हो गए हमारे। द डॉक्ट्रिन ऑफ एडवेटिया एडवोकेट दैट्स, मतलब अद्वैत के सिद्धांत ने किसकी वकालत की थी, देखो इसमें इन्होंने बोला आत्मा और मतलब परमात्मा से क्या मिलन है, मतलब हर एक धर्म गुरु ने अपनी अपनी बात रखी, तो गॉड इज यूनिक, मतलब ये एक अपना कंसेप्ट रखते हैं, तो ये मैं मान सकता हूँ आपका एक अलग और रेंज, हम बोल सकते हैं रेंज से बाहर है। तीन क्वेश्चन हो गए, नोट कर लेना, ऑप्शन हो गया हमारा ए। 14 क्वेश्चन की बात करता हूँ, 14 क्वेश्चन है हमारा, 14 क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टॉयलेट डे 2023। ये जो क्वेश्चन आप बोले हैं कहाँ से आया, ये क्वेश्चन हरियाणा के टीजीटी के एग्जाम में उठाया, 2022 का पूछा गया था, उसमें यहाँ तक 23 में दे दिया, उसमें था क्लीनिंग सैनिटा
सैनिटाइज क्लीनिंग और अंडर वाटर कुछ ऐसी करके आप देख रहे हैं 2022 का, ये 2023 का है। तो ये क्वेश्चन आपको मैं मास्टर्स वाले से बोलना चाहूँगा, हमारे जितने भी हैं, कि आप 2024 का भी याद कर लेना, जितने भी मास्टर वाले जो एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं 2024 का याद कर लेना। एक्सेलरेटिंग चेंज, तेज़ी से बदलाव, ये इसकी थीम है। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा अपने मास्टर्स वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एड्स की थीम, टीबी की थीम, हेपेटाइट्स की थीम, और आपकी मलेरिया की, डेंगू की, और आपकी ये पांच मैंने आपको नाम ले रखे हैं, इनकी थीम नोट कर लेना 2024 की और 2023 की, हो सकता है वो डाल दें, याद रखें इस बात को। चलो भाई नेक्स्ट हम बात करेंगे 15 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ बुक बॉयस कॉन्शियस। तो ये भी क्वेश्चन देखो, अभी हमारे 3 क्वेश्चन हुए हैं, बुक को याद करना, ऑथर को याद करना, ये भी एक अपने आप में चैलेंज होता है। अगर रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जा रहा तो एक अलग बात है। तो बीबी गिरी है जिन्होंने इसको लिखा था। 3 क्वेश्चन हुए हमारे अभी तक, 3। चलो भाई, और ये क्वेश्चन जो आया हुआ है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम प्रीवियस से आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार चेक कर सकते हैं आप, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑथर्स के नेम पूछ रखे हैं। 16 क्वेश्चन, ये भी मैंने आपको पुरानी वीडियो में पेपर में पढ़ा रखा है। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड HNBGU का जो पेपर है वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया हुआ है कि गुड्स एंड सर्वे टैक्स एक्ट केम इनटू फोर्स, मतलब वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम लागू किया गया था। ये भी एक अपने आप में एक चैलेंज वाला है, जो GST कितने पार्ट्स में सबसे पहले कहाँ से आया, मैंने इसमें पढ़ा रखा है और अपने बच्चों को पढ़ा रखा है कि कहाँ से आया, कितने पार्ट्स हैं, कब इम्प्लीमेंट हुआ, ये सारी चीज़ें 1 जुलाई 2017 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुपरविजन में इसकी शुरुआत होती है। 17 क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, ये क्वेश्चन देखो आपको बताना चाहूँगा, 14 क्वेश्चन हो गया हमारा। विच कंट्री इन अफ्रीका वाज फॉर्मली नोन एज रोडेशिया, मतलब अफ्रीका का कौन सा देश है पहले रोडेशिया के नाम से जाना जाता था, उसको हम बोलते हैं जैम्बिया। अब जैम्बिया जो जिम्बाब्वे के बगल में, जिम्बाब्वे की कैपिटल हरारे है, उसके बगल में सटा हुआ एक कंट्री है, इसको हम बोल सकते हैं। और आप बोलेंगे सर आप कैसे पहचान लेते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, किसी मतलब कैसे भी लेवल का एग्जाम हो मैं पेपर जरूर देखता हूँ और फिर वहाँ से क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में लिखवाता हूँ, फिर लिखवाने के बाद टाइप करवाता हूँ, फिर तब जाके मैं अपने लोगों को शेयर करता हूँ। तो ये पेपर जो है 2019 का UPSC के एग्जाम से क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपके पास है तो चेक कर लेना। आप बोलेंगे सर आप ऐसी हवा में बात कर रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं, और नहीं है तो मेरे को मैसेज करना है, स्क्रीन शॉट शेयर कर दो। मेरे पास बहुत सारे पेपर है प्रीवियस जिनको मैं देखता रहता हूँ और तैयारी मतलब उसी के लेवल की मैं बोल सकता हूँ, इधर उधर से शेयर करता रहता हूँ। द टर्म प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ईयर, कहने का मतलब है एशियाई संरचना निवेश बैंक के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने, सबके कार्यकाल 5 साल के होते हैं। अब इन्होंने जो चाल लगा दिया ऑप्शन 5 होना चाहिए, जब भी आप भूल जाएँ तो 5 ही लगाना है, याद रखना। एक्सेप्शन पूरी दुनिया में अगर कोई कार्यकाल है लंबा तो वो है, आपको बताना चाहूँगा, जो IOC का प्रेसिडेंट होता है इसका लंबा कार्यकाल है। और इंटरनेशनल कोर्ट जो है हमारा, मैंने ये पढ़ा रखे हैं, इंटरनेशनल जो कोर्ट होता है जिसका हेडक्वार्टर द हेग में है, उसके चीफ जस्टिस का जो कार्यकाल होता है 9 वर्ष का होता है, और इसका भी मैंने बता रखा IOC का। तो बाकी किसी के सबके नॉर्मली आपको 5 साल मिलेंगे, जब भूल जाएं तो ऐसे लगा जाता क्वेश्चन को, बट क्या करें, कोई बात ही, धीरे धीरे सीख जाएंगे। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन की बात करता हूँ, अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ लोकेट, ये नहीं बिल्कुल पता होगा, 4 क्वेश्चन हो गए, मैं जानता हूँ नहीं पता होगा कि इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है आपका न्यूयॉर्क में। जब अमेरिका की बात कर रहा है तो न्यूयॉर्क में अगर आप भूल जाएं तो मैक्सिमम, अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूं तो न्यूयॉर्क में मिलेंगे। Washington DC जो है एक अपने में इंडस्ट्री वाला एरिया माना जाता है, न्यूयॉर्क को एक अपने आप में एक ऐसा एरिया माना जाता है जो एक अपने आप में प्रोफेशनल है, हम बोल सकते हैं बहुत सारी चीज़ों के यहाँ पर हेडक्वार्टर हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 20, यस क्वेश्चन नंबर है हमारा 20, विच ऑर्गेनाइजेशन इशू इलेक्ट्रल बॉन्ड इन इंडिया, भारत में कौन सा संगठन चुनावी बॉन्ड जारी करता है। अभी विवाद में रही भारतीय जनता पार्टी, सबकी हवा निकाल दी जो है सुप्रीम कोर्ट ने, तो इस बात को आप अच्छी तरीके जानते हैं, वो जो है किसके पास है, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं, पिछली बार पूछा गया था प्रेसिडेंट, आई इलेक्ट्रल बॉन्ड का दे दिया, तो रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी हमारे 4th क्वेश्चन है जो आपकी रेंज से बाहर थे, मैं आपको काउंट करवाऊंगा।
अगर मैं भूल जाऊँ तो काउंटिंग आप मुझे बता देना कि सर चार हुए, चार क्वेश्चन हुए हमारे। हम बात करते हैं 21 पे, विच एनिमल फिंगरप्रिंट मैच विद द ह्यूमन, ये भी रेंज से बाहर है, ये पांच क्वेश्चन हो गए। ये जीएस का क्वेश्चन है, टफ टाइप का हम क्वेश्चन बोल सकते हैं। ये कोला नाम का एक बियर टाइप का जो है एनिमल्स उन्हीं की श्रेणी में आने वाला है। उसके ऐसा माना जाता है कि उसके जो फिंगरप्रिंट है वो ह्यूमन जैसे देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पर गोरिल्ला होता तो उसका भी बोला जाता है, रिसर्च बोलती है कि उसके भी चिंपैंजी जिसको हम बोलते हैं कि उसके भी ऐसे दिखते हैं, ह्यूमन से मैच करते हैं। तो पांच क्वेश्चन हो गए हमारे, 100 में से 5 क्वेश्चन हुए हमारे भी जो रेंज से बाहर हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट रिवर फ्लो इन सिंगल कंट्री, ये भी क्वेश्चन मैंने एक देखना वर्ल्ड ज्योग्राफी की, मेरी वीडियो देखना वर्ल्ड ज्योग्राफी की, उसमें मैंने साफ साफ बताया विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से कौन सी एक नदी है जो एक ही देश में बहती है। इंडिया का भी क्वेश्चन मेंशन कर रखा है और आउट ऑफ कंट्री का भी मेंशन कर रखा है। लूनी रिवर के बारे में बताया इंडिया में, जो ऐसी है जो एक ही जगह पर जाके एक ही जगह से निकलती डूब जाती है। और यांगसी जो रिवर है ये चाइना की रिवर है, ये तबाही मचाती है चाइना के अंदर, ये वो रिवर है, वर्ल्ड की तीसरे नंबर की रिवर है ये, याद रखना, नील, अमेजन और ये। बट क्या करें आप सोचते हैं कि थोड़े समय में तैयारी हो जाए, ऐसा नहीं है, लगना पड़ता है, तपना पड़ता है, तब जाके कोई भी चीज़ हमारी अच्छे से हो पाती है। 5 क्वेश्चन जो रेंज से बाहर हैं मैं आपको बताता जाऊंगा। 23 क्वेश्चन, विच कॉमनवेल्थ गेम्स वर होस्टेड इन इंडिया, इस बात को आप अच्छी तरीके जानते हैं। इंडिया में एक ही बार कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ है 2010 में, जिसमें आशीष ने जिमनास्टिक में मेडल दिया, बहुत सारे लोगों ने मेडल दिया और ये एक अपने आप में एक्सेप्शनल था। भारत का हम बोल सकते हैं विकास भी हो गया था उस टाइम जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। उसके बाद कहाँ नंबर आया, उसके बाद नंबर ही नहीं आया कॉमनवेल्थ गेम्स का। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैंने हर पेपर में डिस्कस कर रखा है, ईजी क्वेश्चन है। चलो भाई 24 क्वेश्चन की बात करता हूँ। वेन वाज द प्रवासी भारतीय दिवस हेल्ड इन वाराणसी, जब मैं BHU में था तो मैंने खुद अपने आप को, मतलब मैंने खुद आंखों से देखा कि बनारस को इतनी अच्छी तरीके से चमका दिया था, हम बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुपरविजन में उस टाइम जो फर्स्ट टाइम हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है प्रवासी दिवस बनाया गया था 2019 की, मैं बात कर रहा हूँ, पूरा चमका दिया था। BHU की बात करूँ तो खासकर उसको ज़्यादा चमका दिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 25 ग्रीन प्लानिट इन सोलर सिस्टम, ये भी वर्ल्ड ज्योग्राफी की वीडियो देख लो, ये क्वेश्चन रिपीट और सेम डिक्टो क्वेश्चन है कि ग्रीन प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट, ये सब मैंने पढ़ा रखा है। उसको हम बोलते हैं यूरेनस, अरुण वरुण लास्ट वाले जो प्लैनेट हैं, मैंने सब पढ़ा रखा है आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में। बट आप सोचते हैं कि दो चार वीडियो से काम हो जाए, भाई पढ़ना पड़ता है, याद रखना इस बात को। चलो भाई कोई बात नहीं, घबराना नहीं, अभी आप स्कोर कर लेना, मुझे बता देना और यही मैं आपको बता दूँगा कितनी कट ऑफ जाने वाली है, नंबर जल्दी जल्दी शेयर कर देना मेरे को। 26 फादर ऑफ इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी, रिपीट क्वेश्चन बार बार, पिछली बार पूछा गया विंग्स ऑफ फायर के कौन है पिता, इस बार पूछ लिया इंडियन मिसाइल, उससे पहले पटना, उससे पहले विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी, रिपीटेड ट्विस्टिंग क्वेश्चन, APJ अब्दुल कलाम। चलो भाई नेक्स्ट हम बात करते हैं 27 क्वेश्चन इधर पढ़ते हैं। 27 क्वेश्चन है द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडर टेकिंग इन इंडिया, तो भारत में सबसे बड़ा लोक उद्योग क्षेत्र जो रेलवे माना जाता है, ये तो सब लोगों को पता ही होगा, तो इसमें तो बताने वाली बात है ही नहीं है। 28 क्वेश्चन की बात करता हूँ यहाँ पर, इन 2017 हु हैज़ अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छ भारत मिशन, देखो ये क्वेश्चन फालतू डाल रखा है, 2017 की करंट अफेयर्स को कौन याद करेगा, तो करंट अफेयर डालनी है तो लेटेस्ट डालो ना, जिससे जो स्टूडेंट्स कर लें, शिल्पा शेट्टी हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, तो हमारे जो है रेंज से बाहर अभी 6 क्वेश्चन हुए, मैंने इसको भी मेंशन कर लिया क्योंकि करंट अफेयर क्वेश्चन है, कोरोना डाल दिया है, 2024 चल रही है, कोई बात नहीं। द स्टडी ऑफ हैवली बॉडीज नोन एज, वर्ल्ड ज्योग्राफी वीडियो देखना, एस्ट्रोनॉट्स क्या है, प्लैनेट्स क्या है, उल्का पिंड्स क्या है, ये सब पढ़ा रखा है, सब बता रखा है, तो एस्ट्रोनॉमी ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं 30 क्वेश्चन पर, हु इज़ दी फर्स्ट इंडियन वीमेन विद दी मेन बुकर प्राइज, मतलब प्रथम पुरुष बुकर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी, ये एक अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप बोलें कहाँ से आए, BHU का प्रीवियस ईयर का पेपर देख लो, उसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप चेक कर लें, आपको आईडी लग जाएगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है, तो वो है अरुंधति राय। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 31 क्वेश्चन,
31 क्वेश्चन है, विच ऑफ दी थ्री बैंक्स विल बी मर्ज विद दी अदर टू टू क्रिएट इंडिया थर्ड लार्जेस्ट बैंक, मतलब भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बनने के लिए तीन बैंकों में किसका, अन्य बैंक को दो साथ जो विलय किया गया था, मेरा भी खाता था उस बैंक में, अब वो जब मैं जाता हूँ तो उसका नाम बदल चुका है, वो है आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स पीएनबी में कन्वर्ट हुई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 19 वॉज दी अवार्डेड इन भारत रत्न अवार्ड, ये तो सब लोगों को पता ही होगा कि भूपेंद्र हजारिया थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। चलो भाई अब देखो, अब आइडिया लगा सकते हैं, किसी क्वेश्चन ने पूछा पहले भारत रत्न किसको मिला, महिलाओं में किसको मिला, पुरुष में किसको मिला, अब करंट का पूछ लिया, तो देखो रिलेशन देखो क्वेश्चनों का आपस में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33, वर्ल्ड नेशन 5G मोबाइल नेटवर्क वाज लॉन्च इन कंट्री, ये बहुत चर्चा में रहा है, टीवी देख रहे होंगे तो साउथ कोरिया, और जब क्वेश्चन भूल जाए ना तो तुक्का लगाना है, तो तुक्का तो लगाया होगा आपने, तो क्वेश्चन की लेंथ देख लिया करो, जो सबसे बड़ी लेंथ होगी उसमें टिक मार दो, 70% चांसेस रहते हैं सही होने के, ये मैंने अपने कई सारे स्टूडेंट्स को बता रखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 34 क्वेश्चन पर, एनी बेसेंट अराइव्ड इन इंडिया, अब देखो एनी बेसेंट ने कौन सी लीग की शुरुआत करी, एनी बेसेंट को किस नाम से जानते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस पेपर में वनडे एग्जाम में, अब इन्होंने पूछ लिया कब भारत में आगमन किया इन्होंने, तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो वहाँ से हम बोल सकते हैं मिले जुले हैं, तो वो आए थे 1893 में। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई नेक्स्ट हम बात करते हैं 35 क्वेश्चन पर, वो फाउंडेड रामकृष्ण मिशन इसकी शुरुआत किसने करी, पहले पूछ लिया यूथ डे, आर्य समाज, तो ये पांच क्वेश्चन है, आर्य समाज, रामकृष्ण और आपका ब्रह्म समाज, कभी पेपर देने जाओ पांच ही मतलब व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदू समाज के लिए एक अच्छा योगदान दिया, कंट्रीब्यूशन दिया है, तो पांच क्वेश्चन इनको पढ़ के जाया करो, तो 35 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इसको नोट कर लेना, हमारी वो 6 क्वेश्चन है जो हमारी रेंज से बाहर है, तो 35 का हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर है हमारा 36, द राइटर ये है हमारा रजत रगेड़ी की रचयिता कौन है, ये भी एक अपने आप में चैलेंज वाला क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चनों को हमारे जो रेंज से बाहर हैं, तो ये जो है हम बोल सकते हैं किसने लिखा, कला नाम के व्यक्ति थे उन्होंने लिखा था। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, 7 क्वेश्चन हमारे रेंज से बाहर, यस 37 सब लोग 8th 10th में पढ़ते होंगे कि अकबर प्रोक्लेम अ न्यू रिलीजन दीन इलाही अबुल फजल, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, तो इसकी इस क्वेश्चन पे मैं आपको बताना चाहूँगा 37 क्वेश्चन पर कि इसमें जो है थोड़ा सा एक मतलब डेट का वो है, मैंने इसको कई किताबों पढ़ा है 1582 यहाँ पर 81 दे रखा है, तो नियर हम इसको लगा सकते हैं, वैसे 82 मैक्सिमम किताबों मैंने देखा है, ऐसी बहुत सारी डेटें रहती हैं, तो भाई इस क्वेश्चन में मैं कुछ नहीं कह सकता, वैसे आंसर जब नियर है तो नियर वाला हम मान लेंगे क्योंकि बहुत पुरानी बातें हो जाती हैं, तो कभी कभार क्या होता है रेफरेंस को देखना पड़ता है, अच्छी बुक कौन सी है उसकी रेफरेंस को माना जाता है, याद रखें इस बात को। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा, नेक्स्ट हम बात करेंगे यस 37 के बाद 38 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अभी 7 क्वेश्चन हमारे जो रेंज से बाहर है, आप सब लोग जानते हैं चोरी चोरा जो इंसिडेंट हुआ था उसकी शुरुआत कब हुई, ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BHU के प्रीवियस ईयर से आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने हमेशा बोला है जब भी पेपर देने जाओ तो जितने भी आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको देख कर जाओ, और नहीं है तो मेरे YouTube वीडियो ये सबको देख डालो, 10-15 दिन पहले लगातार वीडियो देखो, मैं इसलिए आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, और इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी यूट्यूबर नहीं है, मैं चैलेंज करके बोलता हूँ कि मिनिमम टाइम में आपको इतने सारे क्वेश्चन से रूबरू करा दे, अगर कोई है तो मैं जो पढ़ाना बंद कर दूंगा, कि मैंने इस चीज़ को मतलब ऑब्जर्व किया है कि 10 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे की वीडियो बना देंगे, अरे मैं 10 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ मैं, और मैं ज़्यादा लेंथी वीडियो इसलिए नहीं बनाता क्योंकि एक स्टूडेंट्स की जो कंसंट्रेट होती है उसका एक ड्यूरेशन होता है, उसके बाद फिर ना वो मन नहीं करता है, तो चोरा चोरी तो आप सब लोग जानते ही हैं, तो महात्मा गांधी ने एक अपने आप में हम बोल सकते हैं इन्होंने बहुत बड़ा वो किया योगदान, तो क्या हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा
22 में। चलो भाई नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 39 क्वेश्चन की। देखो ये भी रिपीट क्वेश्चन है, द प्रपोजल ऑफ द क्विट इंडिया वाज ही पास, मतलब भारत छोड़ो प्रस्ताव आंदोलन 8 अगस्त 1942, चलो भाई स्वदेशी अपनाओ विदेशियों को भगाओ। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, बीएचयू के प्रीवियस ईयर से आए हुए क्वेश्चन है जी। आगे बढ़ते हैं 40 क्वेश्चन की बात करता हूँ, आम आदमी बीमा योजना वाज लॉन्च, ये एक अपने आप में चैलेंज वाला क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन हो गए, मैं जानता हूँ इसको आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि डेट याद करना एक अपने आप में चैलेंज हो जाता है। 2 अक्टूबर 2007 को इसकी शुरुआत मानी जाती है। 8 क्वेश्चन हो गए हमारे, मैंने आपको बताया 10 से 15 क्वेश्चन होंगे जो आपकी रेंज से बाहर होंगे, मैं आपको काउंट करके बताऊंगा। 8 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट ये तो रिपीट क्वेश्चन है, बीएचयू में भी और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पूछा गया और एचएनबीयू के एग्जाम में पूछा गया, पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्जाम पूछा गया है, एमपीड में पूछा गया है और आपके हम बोल सकते हैं वन डे एग्जाम केवीएस एनवीएस टीजीटी पीट समय पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है, वो गेव दी कॉल फॉर एवरग्रीन रेवोल्यूशन, स्वामीनाथन की रिपोर्ट पढ़ो ना, अभी जो विवाद में चल रही थी जो किसान आंदोलन कर रहे थे उनकी रिपोर्ट पढ़ो। नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन, ये एक अपने आप में हम बोल सकते हैं, इस क्वेश्चन पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन इज द पार्ट ऑफ, इस क्वेश्चन के लिए मतलब आई हैव नो आइडिया इस क्वेश्चन के जो है जो क्लियर बोलूँगा मैं। 42 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, अभी हमारे 8 क्वेश्चन है जो हमारी रेंज से बाहर थे। देखो ये अभी मैंने 2 दिन पहले वीडियो बताई थी आपको, मिड डे मील स्कीम, ये छत्तीसगढ़ का सेट का जो एग्जाम हुआ अभी, छत्तीसगढ़ का सेट का जो एग्जाम है वहाँ से आया हुआ। पहले पूछा गया था किस राज्य में शुरुआत की गई, कब की गई, किन बच्चों के लिए की गई, अब दे दी उन्होंने डेट। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मास्टर्स वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब इसके बारे में पढ़ लेना, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, स्पेशली इसके अगल बगल की चीज़ें पढ़ लेना। 15 अगस्त 1995 में इसकी तमिलनाडु से शुरुआत की जाती है, नोट कर लेना। एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बताऊँगा, कोई बात नहीं। 44 सिक्योरिटी एक्सचेंज, पहले उसका हेडक्वार्टर पूछ लिया, आज ये पूछ लिया कब बनी, तो आप समझ सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन है। तो 12 अप्रैल 1988 को इसकी शुरुआत की जाती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, शायद 12 अप्रैल 1988 44, बिल्कुल। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 45 क्वेश्चन है हमारा। देखो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, NRHM घोटाला, बाबू सिंह कुशवाहा जो कि उत्तर प्रदेश में इसके चीफ रह चुके हैं और इनको जेल भी जाना पड़ा था, ये बड़ा विवाद में रहा था। तो इस बात को आप अच्छी तरीके जानते हैं, उत्तर प्रदेश के लिए हम बोल सकते हैं कि स्वास्थ्य को देखते हुए उनकी सेवा के लिए हेल्प करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी 2 अप्रैल 2005 में। चलो भाई नेक्स्ट हम बात करेंगे 47 क्वेश्चन 46 पर, नेचुरल इनकम एस्टिमेट इन इंडिया आर प्रिपेयर्ड बाय, मतलब भारत में राष्ट्रीय आय अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है, उसको बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। चलो भाई देखो मैंने आपको बताया क्वेश्चन की लेंथ, देखो या तो छोटा आंसर होगा या फिर बड़ा आंसर होगा, तो मोस्टली बड़े आंसर होते हैं, तो ये आंसर होते हैं, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। चलो भाई 8 क्वेश्चन है जो हमारी रेंज से बाहर हैं। चलो भाई नेक्स्ट हम बात करते हैं 47 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मेन रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया कंट्री, मैंने एक वीडियो डाल रखी है जीएस की कि कोयले का उत्पादन कौन करता सबसे ज़्यादा इंडिया में, दूध का उत्पादन कौन करता, हर पेपर में मैंने बीएचयू के जो पेपर सॉल्व कराए उसमें बताया मैंने, रबड़ का, कोयले का, तांबे का, गोल्ड का, ये सब बता रखे हैं मैंने। बट क्या ही बता सकते हैं आपको कि आप लोग ऐसे क्वेश्चनों को अगर छोड़ कर आएंगे तो कोई बात नहीं, इसने सही टिक लगा रखा है केरला। और वर्ल्ड में अगर लेवल की हम बात करते हैं थाईलैंड है और उसके अलावा और भी एक और कंट्री जो सेकंड नंबर पर देखने को मिलती है रबड़ प्रोडक्शन में, रबड़ के उत्पादन में केरला के बाद तमिलनाडु है, याद रखना, अगर केरला नहीं होता तो तमिलनाडु यहाँ पर ऑप्शन होता। ये सब बहुत इजीली तरीके ट्रिक से पढ़ाया है मैंने। आगे बढ़ते हैं 48 द नंबर ऑफ नेशनलाइज बैंक एट प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट में जो वर्तमान में देश की राष्ट्रीय बैंकों की संख्या वो 12 के समथिंग है, इसमें आप ऑप्शन डी लगाएंगे, ऑप्शन डी। 49 क्वेश्चन है, ग्रीन बैंकिंग चैनल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय, तो ये भी एक अपने आप में चैलेंज वाला क्वेश्चन है।
आठ के बाद ये नौ हो गए, मैं जानता हूँ ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इसको आप नहीं कर पाए होंगे। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। 50 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन हो गए। फाइनेंस कमीशन इज कंस्टिट्यूट आफ्टर एवरी 5 साल, ऑप्शन बी खत्म। 9 क्वेश्चन, चलो भाई हमारे 9 क्वेश्चन है जो रेंज से बाहर हैं। 51 क्वेश्चन, BHU से आया हुआ क्वेश्चन, DSSSB के एग्जाम में, NVS में, KVS में, ना जाने किस किस एग्जाम में। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब जो होता है उसका फिलामेंट जो बना होता है, तंतु तार बना होता है, वो टंगस्टन का होता है। मैंने प्रेस का बताया, प्रेस में तार लगा होता है किसका होता है। मैंने हीटर का बताया, मैंने सब बताया मैंने आपको कि किस किस के तार होते हैं। चलो भाई आ जाओ आगे बढ़ते हैं। 52 क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। BC, देखो पिछली बार पूछी BC ट्रॉफी किसके संबंधित है, अब यहाँ पे पूछ ले BC अवार्ड किससे संबंधित है। ये रिपीट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन, और ये मेडिसिन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन रेंज से बाहर, मैं भी काउंट कर रहा हूँ भूल ना जाऊँ। 53, विच इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया, सब भारत में सर्वोच्च वीरता का पुरस्कार परमवीर चक्र है। वीर चक्र, ये अशोक चक्र, ये इस तरह की सीरीज है, सब बता रखी है, कोई बात नहीं। रिपीट क्वेश्चन, दो दिन पहले वीडियो बना के आपको शेयर करी थी, अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड, कितनी राशि, कब, सब बता रखा है 1961 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 55, कैनिज अवार्ड इन गिवन फॉर एक्सीलेंस इन विच फील्ड, कांस पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था। ये भी BHU से आया हुआ है, चेक कर लो, ये भी BHU से आया हुआ क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन है, ये है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्म के क्षेत्र में, ऑस्कर है और ना जाने कौन कौन सारे अवार्ड वहाँ से आए हुए, रिपीट क्वेश्चन। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोल रखा था कि जब भी पेपर देने जाओ एक बार प्रीवियस ईयर के पेपर सारे देख कर जाओ, कम से कम 7, 8, 4, 5, 6, 10 क्वेश्चन फंस ही जाते हैं। विच स्टेट इंस्टीट्यूट सम्मान अवार्ड, ये क्वेश्चन रेंज से बाहर है, 10 क्वेश्चन हो गए हमारे, रेंज से बाहर है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी शुरुआत कर रही है, इसने कर रखी है मध्य प्रदेश सरकार ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे 57 क्वेश्चन की तरफ। 57 क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन हो गया, यस, हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, रिपीट क्वेश्चन, इतना ही जी क्वेश्चन, BHU, BPED, MPED, न जाने कौन कौन से एग्जाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के कितने नाम हैं ये मैं अपने स्टूडेंट्स को बता रखे हैं, इनके कम से कम 5 नाम हैं। आप बोलेंगे 5, हम तो लोहे मैन के नाम से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल 5 नाम हैं। चलो कभी पूछना हो तो मैसेज कर देना, बता दूंगा मैं। प्रोफेशनल अमृत सेन, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। अमृत सेन जो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दो जगह पर अपनी छापेमारी कर रखी है, मतलब हम बोल सकते हैं दो जगह पर इनका बड़ा योगदान है, बट मैं अब नहीं बताने वाला, और क्योंकि मैं ये क्वेश्चन मैंने आपको हमेशा अच्छी तरीके से बताए हैं, इकोनॉमिक्स। आ जाओ नेक्स्ट हम बात करते हैं 59, इन विच फील्ड, ये है आपका अचंग महाराज हैज डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ, अचंग महाराज ने किस क्षेत्र में अपने आप को विख्यात किया था, तो वो किया था डांस में, कथक करते थे, कथक। चलो भाई बहुत पॉपुलर है, पर्सनैलिटी है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर के लक्ष्मण रेनो, मतलब आर के लक्ष्मण किस क्षेत्र में विख्यात है, ये भी क्वेश्चन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के एग्जाम से आया हुआ क्वेश्चन है, ये कार्टूनिस्ट। आ जाओ कोई बात नहीं, हर आदमी गलती करने के बाद ही सीखता है, टीचर का पूरा फर्ज रहता है कि वो सीखे, कोई बात नहीं। 10th क्वेश्चन हमारे जो रेंज से बाहर हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएट विद द UNO, अरे UNO से संबंधित नहीं है, तो ILO तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये तो है, कल की वीडियो में बताया मैंने, WHO भी है, कल की वीडियो में बताया मैंने, ये एशियन जो है एक अपने आप में एशियन का संगठन है, हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं, एशियन कॉन्टिनेंट में रहते हैं, उसमें 48 कंट्री है, ये उसका एक संगठन है, ये तो है ही नहीं है, तो ऑप्शन हमारा ये नॉट बोल रहा है ना, तो इसमें हमारा ये ऑप्शन नहीं है। चलो भाई कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, 62 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दी ऑफिस UN जनरल असेंबलीज, तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, UNO की मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है अपने YouTube चैनल पे, UNO डालोगे ना, UNO वाई अनु जिमनास्ट, कम से कम 40 क्वेश्चन होंगे UNO के, जितने भी क्वेश्चन आए सब मैंने वहाँ पे कलेक्ट कर रखे हैं और मैंने आपको बता रखे हैं। तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है,
यूएनओ 24 अक्टूबर 1945 को बनी थी। अब मैं क्या ही बताऊँ, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को, ये भी मैंने आपको बताया, रिपीट क्वेश्चन, ये भी मैंने आपको बताया कि जितने भी हमारे इंटरनेशनल जो हमारे हम बोल सकते हैं हेडक्वार्टर, मतलब हेडक्वार्टर के बारे में जब बात करते हैं, मैंने एक ट्रिक से भी बताया है, मैंने आप डालोगे ना इंटरनेशनल हेडक्वार्टर वाई अनु जिम्नास्ट, अभी वीडियो निकल के आ जाएगी, आप चेक कर लेना। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी कि जिसके पीछे ओ लगाओ, अगर आप भूल जाए तो जेनवा लगा देना, बट ऐसे कुछ एक्सेप्शन है जिनका जो है पेरिस या न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम, 10 क्वेश्चन आउट ऑफ रेंज। विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ, ये देखो है तो ही करंट अफेयर्स का भी है, ओल्ड भी क्वेश्चन है, G8 कंट्री, G20 कंट्री, ब्रिक्स कंट्री, ठीक है ना। तो इसमें जो है हमारा जो है स्पेन जो है मेंबर नहीं है, इसमें 8 ग्रुप हैं, मतलब 8 कंट्री हैं, इसकी बात कर रहा हूँ, तो इसमें डी स्पेन नहीं है। आ जाओ, पिछली बार G20 के बारे में पूछ लिया, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इस बार जो है G8 के बारे में पूछ लिया, कोई बात नहीं। रिपीट क्वेश्चन, दो दिन पहले वीडियो बनाई थी। ग्रैंड स्लैम इज यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स, ग्रैंड स्लैम किस निम्न में से किससे संबंधित है, तो वो है टेनिस से। चलो भाई ठीक है, सही कर दिया, आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन अभी, 66, देखो रिपीट क्वेश्चन, कल की वीडियो से आया हुआ क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेप इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तभी आप काम करेंगे। कभी सीक्वेंस में लगाने के लिए दे देगा मास्टर वाले, इसके बारे में पढ़ लेना, सीक्वेंस में लगाने के लिए आ सकता है, एंड वाला पूछ सकता है, पहला वाला पूछ सकता है। एक्सीडेंट आर लाइकली इज कॉल्ड विच सॉर्ट ऑफ डिसेबिलिटी, दुर्घटना के किस प्रकार की विकलांगता होने की संभावना रहती है। देखो डाउन सिंड्रोम तो हो नहीं सकता, डाउन सिंड्रोम का मतलब होता है जेनेटिक प्रोसेस, खत्म। एड्स हो नहीं सकती, क्या एक्सीडेंट से एड्स हो जाएगी आपको, नहीं हो सकती। और फ्रेजाइल सिंड्रोम ये भी नहीं है, सिंड्रोम वाले तो हो ही नहीं है। ये एम्पलूटेशन जो होता है इसका मतलब होता है लिम्फ में कोई दिक्कत हो जाए, लिम्फ मतलब हाथ पैर जिनमें, तो ओवरऑल मिला के आप दिमाग भी लगाते ना तो भी आप करते थे। सिंड्रोम का मतलब होता है खतरनाक लक्षण, वो कभी भी एक्सीडेंट से नहीं आते, वो तो एक बीमारी रोगों से आते हैं। चलो भाई कोई बात नहीं, सीख जाओगे। 68 क्वेश्चन की हम बात करें, विच ऑफ देम इज कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, देखो फिर से रिपीट क्वेश्चन है शायद, अभी मैंने बताया था, उसमें पूछा है नहीं है, इसमें पूछा है, दो क्वेश्चन है। अगर एक क्वेश्चन, अगर मेरी वीडियो देख रखी होगी अभी भी देख लेना मास्टर्स वाले, कि हम बोल सकते हैं कि टाइप्स ऑफ डिफॉर्मिटीज या टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव वाई अनुजिम्नास्ट, मेरी अगर कोई वीडियो निकालनी है आपको किसी भी टॉपिक से, तो मेरा नाम जरूर डाल दिया करो, वाई अनुजिम्नास्ट, तो मेरी वीडियो निकल के आ जाएंगी, क्योंकि यूट्यूब पे ना बहुत सारी चीज़ आ जाती है। तो देखो, हाइपर एक्टिविटी कॉग्निटिव प्रोसेस, डिसलेक्सिया लर्निंग प्रोसेस, दिमाग से, चलो भाई सी उसमें पूछा था नहीं है, इसमें पूछा है। आगे बढ़ते हैं, 11 क्वेश्चन रेंज से बारे। पर्सनैलिटी इंडिविजुअल डीम किससे संबंधित है, मतलब डी टाइप ए पर्सनैलिटी होती है, बी होती है, सी होती है, डी होती है, चार टाइप की पर्सनैलिटी होती है, मास्टर्स वाले पढ़ लेना, ए बी सी डी चार टाइप की पर्सनैलिटी होती है, ये जो है किस टाइप की पर्सनैलिटी है, ये विवाद करती हैं, कंट्रोवर्सी पर्सनैलिटी है जी। तो ये मतलब ये डी टाइप की पर्सनैलिटी है, लड़ने झगड़ने वाली है, उत्तेजित करने वाली पर्सनैलिटी है। आ जाओ हम बात करते हैं नेक्स्ट भाई, 70 क्वेश्चन पे, 70 है, देखो रिपीट क्वेश्चन है, कल ही बताया था वीडियो में, नेम ऑफ वाई गिवन इन नॉकआउट टूर्नामेंट व्हेन प्लेइंग टीम आर 21 इन नंबर, नॉकआउट टूर्नामेंट में टीम खेलने वाले दी जाने वाली बाइयों की संख्या कितनी होगी, आपको पता है 21 है, ये तो हो गया आपकी क्या बोला इसने, ये तो टीम होगी 21 टीम होगी, T4 21, मैच जब निकालते हैं, मैंने आपको बताया, मास्टर वाले सुन लेना, नोट कर लेना, कि एन माइनस वन कर देते हैं, तो 21 में से बंद कर देंगे तो ये 20 निकल कर आ गया आपका। ये पूछा है नॉकआउट टूर्नामेंट में खेलने के लिए दिए जाने वाली बाइयों की संख्या कितनी होगी, तो मैच इतने निकल कर आए। मैंने आपको बताया कि बाई जब निकालते हैं नियरेस्ट वैल्यू को हम देखते हैं पावर में, तो आपको पता है 32 है, 32 में से एक घटा दो, वन बचा, 11 ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो गया बी, तो बाई ऐसे निकाल लेते हैं। अगर यही वैल्यू हम बोल सकते हैं 8-9 होती, तो उससे इसकी नियर पावर कौन होती आपकी 16 होती, तो उसमें सेपरेट कर दे, मास्टर्स में मिलेगा, मास्टर्स में जरूर दो क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान रखना। मैं आपको है ना, हो सकता है कि कल मैं आपको टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स की वीडियो शेयर करूं, आजकल है ना 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं मास्टर्स में भी, बीपेड में, यहाँ पे हमारे एक आ गया सर, दो क्वेश्चन आया एक, चलो कोई बात नहीं पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 11 क्वेश्चन आउट ऑफ रेंज, 71 क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इज रिक्वायर फॉर दी स्टॉपिंग दी अवॉइड, तो कोई भी चीज़ स्टॉपिंग की बात करती तो वो फ्रैक्शन होता, ऑप्शन बी।
फ्रैक्शन से ही मूवमेंट को निर्धारित किया जाता है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन मास्टर्स वालों को मैंने पढ़ा रखे हैं। फ्रैक्शन ये जो हमारे मूवमेंट को ब्लॉक करता है, इजी करता है, टफ करता है, जो भी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन है हमारा। सिम्टम्स फूड इंटॉलरेंस डू नॉट इंक्लूड, खाद अस्वीकृता के लक्षण शामिल नहीं है। देखो फूड के जो फूड जो होता है, भोजन जो होता है, उसके सिम्टम्स नहीं। देखो स्टोमक पेट में दर्द हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है, नोजिया मतलब वोमिटिंग, उल्टी जो भी है जी मचलाना। उसके बाद आपका ये रेस्टलेस ये भी बेचैनी हो सकती है आपको। तो इसमें आपका बचा ये बिगिनिंग मतलब होता है ज़्यादा खाना, मतलब ज़्यादा आदमी जो खाता है ये। तो मतलब यहाँ पे उसने पूछा इंटॉलरेंस नॉट इंक्लूड सिम्टम्स, 72 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो ये रिपीट क्वेश्चन है, 33 क्वेश्चन रिपीट है। रेजिस्टेंस एबिलिटी अगेंस्ट फटीग इज, आप सब लोग डिफरेंट गेम्स के हैं, आपको ये डेफिनेशन पता होना चाहिए कि किसी थकान के बावजूद किसी प्रतिरोध से हम लड़ते हैं तो इंड्योरेंस होता है, लगातार 5 किलोमीटर दौड़ते हैं आप। चलो भाई इंड्योरेंस हो गया। रिपीट क्वेश्चन है, ट्रेनिंग सेशन इज द पार्ट ऑफ, ट्रेनिंग जो है किसका हिस्सा है, ट्रेनिंग जो है किसका हिस्सा है, कोई भी हम ट्रेनिंग देते हैं प्लानिंग से देते हैं, ऑप्शन ए। चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट हम बात करते हैं 35 क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 11 क्वेश्चन है, रेंज से बाहर है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी टाइप्स ऑफ रिक्वायर अ लॉन्ग जंपर, लॉन्ग जंपर जो होते हैं उनकी फिजिक देख लो ओलंपिक में, लंबे चौड़े, बॉडी पर्सनैलिटी एप शोल्डर वोल्डर एकदम मस्कुलर, तो वो मीसोमोर पर्सनैलिटी होती है। एंडोमोर का मतलब होता है थोलू मोलू गोल मटोल पेटूराम जिसको हम बोलते हैं, एक्टोमोर मरियल पतला दुबला जो भी होता है। तो मीसोमोर पर्सनैलिटी होती है लॉन्ग जंपर की, ध्यान रखना बहुत तगड़ी फिजिक होती है लॉन्ग जंपर की। चलो भाई 75 क्वेश्चन 76 की तरफ बढ़ते हैं हम। द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट्स मैन इज कॉल्ड, मतलब खिलाड़ी की तैयारी की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, स्पोर्ट ट्रेनिंग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 77 तरफ की बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसीडर व्हाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस डाइट एंड चार्ट, हेल्थ एजुकेशन बताया, जब भी हम किसी खिलाड़ी की एक चार्ट तैयार करते हैं उसको कैसा बनाना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं उसकी एज कितनी है, क्योंकि एज को देख, मैं इसमें डीप में नहीं बताऊंगा, वीडियो लेंथी हो जाएगी, एज जेंडर बॉडी वेट इनको देखकर उसकी हम बॉडी को तैयार करते हैं। इनकम लेवल से कोई मतलब नहीं होता है, एक्टिविटी एंड ईटिंग लेवल से कोई मतलब नहीं होता है, ध्यान रखना हमें इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा फोकस रखना पड़ता है। चलो आगे बढ़ते हैं 78 क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। स्पोर्ट्स बाय मैकेनिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड, स्पोर्ट्स बाय मैकेनिज्म को फिजिक्स ऑफ स्पोर्ट्स के नाम से जानते हैं, और मैं आपको बता दूँ आप दंग रह जाओगे, बिहार का जो एस्टेट का एग्जाम हुआ है अभी 2023-24 में, ये वहाँ से आया हुआ है, हरियाणा TGT का एग्जाम से आया हुआ है, आप समझ सकते हैं मैंने जो वीडियो डाल रखी है उसमें से आया हुआ है, आप देख लो मेरी वीडियो उठा के, बिहार एस्टेट की वीडियो उठा के देख लो, उसमें ये क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन दी चाइल्डहुड और एडल्टहुड, ये भी बता रखा है, वो उसको बोलते हैं एडोलेसेंस एज, प्यूबर्टी एज, मेंस्ट्रुअल एज, फिजियोलॉजिकल एज सब। चलो भाई आगे बढ़ते हैं 80 क्वेश्चन। दी अदर टर्म हॉस्टाइल एग्रेशन, ये मास्टर्स वालों को पता होगा, मैंने मास्टर वालों को बता रखे, बीपीड वालों में नहीं बता रखा है, मैंने बता रखे टाइप्स ऑफ एग्रेशन, स्पोर्ट्स में एग्रेशन आता है उसका फंक्शन क्या है, मैंने आपको छत्तीसगढ़ सेट का एग्जाम सॉल्व करवाया था, ये वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं 2018 के पेपर में डलवाया है सॉल्यूशन, उसमें आप देख सकते हैं हॉस्टल क्या है, इंस्ट्रूमेंटल क्या है, कब क्या है, इसकी निक नेम क्या है, सब पढ़ा रखा है। तो हॉस्टल को हम बोलते हैं रिएक्टिव प्रश्न, मतलब रिएक्टिव टाइप का ये व्यक्ति होता है 80। और मैं आपको बोलना चाहूँगा, मास्टर्स वालों से बोलना चाहूँगा कि इसके बारे में जितने भी टाइप्स के एग्रेशन है सब पढ़ लेना अच्छी तरीके से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, वैसे मैं आपको एक मैराथन क्लास दूंगा, इसमें अब बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी कवर कर लूँगा, डोंट वेरी। विच पीरियड सो एक्सेलरेट ग्रोथ इन, कहने का मतलब है कौन सी अवधि तीव्र वृद्धि दर्शाती है, तो वो है ना, एक है अर्ली चाइल्डहुड और एक एडोलसेंस, ये दोनों ऐसी है जो अर्ली लेटर एडोलसेंस में एंटर है, उसमें एकदम जैसे लॉकडाउन में हम सब लोग भागे थे ना निकल के घर से, ऐसी इस एज में हॉर्मोन्स भागते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट हम बात करेंगे 82। द अपर लिमिट ऑफ गुडनेस फिट इंडेक्स स्कोर, देखो इस क्वेश्चन में मुझे एरर है, मैं दो क्वेश्चन बता रखे हैं आपको,
एरर वाले क्वेश्चन है, इसमें फिक्स नहीं दे रखा है, तो आई हैव नो आइडिया। तो हर बार काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी 2 से 3 क्वेश्चन गलत छोड़ देती है, वो आपको आंसर मतलब आपको नंबर मिल जाएंगे। टूर्नामेंट इज अ फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, तो ये किसका हिस्सा है? नॉकआउट टूर्नामेंट। आ जाओ आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 84 टच डाउन इन वॉकिंग द नी इज नॉर्मली। देखो इस क्वेश्चन को आप समझने थोड़ी सी दिक्कत होगी, समझाना चाहूंगा। जब हम वॉकिंग करते हैं तो हम टच डाउन करते हैं, अपने नी को टच करने का प्रयास करते हैं, तो नी हमारा स्लाइटली फ्लेक्स होता है, थोड़ा सा मुड़ता है उसमें, ऑप्शन ए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। व्हाट कंपेयर्स मोटर फिटनेस, देखो पिछली बार पूछा गया था हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट कौन सा है, मास्टर पूछा गया हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट कितने हैं, मोटर कंपोनेंट कितने हैं, अब पूछ लिया कौन सा मतलब है, तो क्वेश्चन तो सब वहीं से आए हैं ना। तो मैंने आप देखो वीडियो ढा के देख लो, ये आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो एजिलिटी भी रहती है, बैलेंस भी रहता है, कोऑर्डिनेशन भी रहता है, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा। मोटर कंपोनेंट 6 कंपोनेंट है, ये सब पढ़ा रखा है और आपके काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है जी, रिपीट क्वेश्चन है। 86 क्वेश्चन की बात करता हूँ। बायोमैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ, ये भी बिहार स्टेट का एग्जाम जो हुआ है, हरियाणा स्टेट का एग्जाम हुआ है, वहाँ से आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, वीडियो देख लो आप, नहीं है तो आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा मैं। जो है किसका हिस्सा जो है बायोमैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स। आगे बढ़ते हैं। चलो भाई नेक्स्ट हम बात करेंगे 87 फूड रिक्वायर फॉर द रिन्यूअल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, वाटर है जो निकलता है, वाटर के थ्रू सारी चीज निकलती है, वेस्ट मटेरियल जो भी होता है। 88 रिसेंटली हु हैज बीन डिक्लेयर टू बी अवार्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड, ये क्वेश्चन रेंज से 12 में बोल सकता हूँ, 12 क्वेश्चन हो गए हमारे। हाल ही में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई थी, ये मैं मान सकता हूँ रेंज से 12 है, तो वो है दया प्रकाश सिन्हा। आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे, 12 क्वेश्चन हो गए हमारे। 89 6 मीटर रन वॉक मेजर, क्या मेजर करते हैं? इंडोरेंस करते हैं, हजार बार मैंने पेपर में पढ़ा रखा है आपको, ये भी परसों की वीडियो से आया था, रानी पे पावा से ट्रिक बताई थी मैंने, था से क्या होता है, रा से क्या होता है, पा से क्या होता है, सा से क्या होता है, तो वो जो है दो गलत कर रखा है, ये साफ साफ बताया था सानों को वाले में होती है, अब ये V2 होती है, था रा ट्रिक बताई थी, था रा थायमिन और राइबोफ्लोबिन, तो राइबोफ्लोबिन मतलब B1 और B2, अब क्या ही कर सकते हैं, कोई बात नहीं, सब सीख जाओगे धीरे धीरे, टच में रहोगे तो, और बैच में अगर आ गए तो तुम ब्रांड एम्बेसडर बन जाओगे, याद रखना। इंट्रामोरल टूर्नामेंट इज ऑल्सो कॉल्ड, उसको किस नाम से जानते हैं? देखो इंट्रामोरल जो है स्कूल लेवल की, जो एक ही स्कूल की लेवल की प्रतियोगिता होती है, एक ही स्कूल की सेक्शन डिवाइड करती है, उसमें हम जो कंपटीशन करवाते हैं उसको इंट्रामोरल बोलते हैं, बट डिस्ट्रिक्ट की लेवल की जो टीम आ रही है तो वो एक्स्ट्रा मोरल हो जाएगा, इंटर स्टेट की आ रही है तो एक्स्ट्रा हो जाएगा। इंटर क्लास की अगर हम बात करें, देखो ये थोड़ा क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, यहाँ पर बोला है इंटर क्लास, ए क्लास में ए सेक्शन बी सेक्शन हो सकते हैं, तो उनमें भी हम इंटरमोरल कॉम्पिटिशन करवा देते हैं, बट यहाँ पर जो नियरेस्ट जो लगाएंगे हम स्कूल लगाएंगे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। आ जाओ चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे जो मतलब आपको कन्फ्यूज मतलब हम बोल सकते हैं कन्फ्यूज करने वाले, आपको नहीं सबको कन्फ्यूज करने वाले। मोटिवेशनल इज द डायरेक्शन एंड द इंटेंसिटी, प्रेरणा दिशा और तीव्रता किसको, एफर्ट। मैं यूट्यूबर कैसे बना, मुझे प्रेरणा मिली, मुझे मोटिवेशन मिला, मैं बीपीएड में आया एमपीएड में आया, मुझे मोटिवेशन दी किसी ने कि इसमें बहुत अच्छा स्कोप है करियर है, तो ऐसे ही आपको मिलेगी तो एफर्ट आता है अंदर से, कर लेंगे हम कोई बात नहीं कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो वो एफर्ट। चलो भाई 93 क्वेश्चन, इंटरनेशनल योगा डे, अब क्या ही बताएं, योगा कभी किया नहीं होगा तो इसलिए जो गलत टिक लग गया, कोई बात नहीं है। अरे 21 जून को योगा डे बनाया जाता है, 21 जून को, अब क्या ही बताएं। 12 क्वेश्चन है जो रेंज से 12 में आपको बता रहा हूं, मैंने सारे क्वेश्चन नोट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 94 स्पेशल सीडिंग इज गिवन बाय, स्पेशल सीडिंग किसको दी जाती है टूर्नामेंट में,
तो ये जो है सेमीफाइनल और क्वार्टर में दी जाती है, स्ट्रांग टीम को दी जाती है। तो इसमें जो रेड ऑप्शन नहीं है इसमें, तो हम इसमें स्ट्रांग टीम को जो है लगाएंगे ऑप्शन सी। चलो भाई नेक्स्ट हम बात करते हैं 95 हेडक्वार्टर ऑफ पैरालिम्पिक्स, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। IOC का हेडक्वार्टर क्या है, फीफा का हेडक्वार्टर क्या है, और आपके IUA का हेडक्वार्टर क्या है, ये सारे हेडक्वार्टर मैंने आपको पढ़ा रखे हैं जर्मन में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 96 क्वेश्चन। 96 क्वेश्चन है क्रैकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ द बोन कॉल्ड, आपकी बोन क्रैक हो जाए टूट जाए तो आप उसको क्या बोलेंगे, उसको फ्रैक्चर बोलते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। स्पेन स्ट्रेन क्या है सब पढ़ा रखा है मैंने, हर पेपर में आपको इस रिलेटेड इंजरी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। और मास्टर्स वाले स्प्रेन स्ट्रेन फ्रैक्चर पढ़ लेना, वीडियो देख लेना यूट्यूब पर। और मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिस सेट ही एक वो चीज़ होती है जो आपके परफॉर्मेंस को एनहेंस करता है। तुम कितना भी पढ़ लो, मैं कितना भी पढ़ लूँ, अगर मैं जब तक प्रैक्टिस सेट नहीं लगाऊंगा, प्रैक्टिस नहीं करूंगा, जब तक मेरा परफॉर्मेंस एनहेंस नहीं होगा, याद रखना इस बात को। 97 है कंटेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड, तो मैंने आपको हेल्थ एजुकेशन बताया था कि कार्बोहाइड्रेट किन से तैयार किए जाते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से तैयार किए जाते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। हेल्थ एजुकेशन से 8 क्वेश्चन आ गए जो 2 दिन पहले मैंने आपको पढ़ाई है, 8 क्वेश्चन मैंने आपको गिना दिए 8 क्वेश्चन। लो एक और आ गया 9वां क्वेश्चन, ये 9वां क्वेश्चन आ गया। चीफ ऑफ फ्यूल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, वो है प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 99 क्वेश्चन की। लो हेल्थ एजुकेशन से रिपीट क्वेश्चन, एक ही वीडियो से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 से 12, तो आप समझ सकते हैं कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है। ये बात आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और जो स्टूडेंट्स मेरे से लगातार जुड़े हैं वो तो समझ गए होंगे कि रियलिटी आखिर में है क्या। डिजीज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन डी, मैंने आपको बताया रिकेट, सारी बीमारी पढ़ा रखी है मैंने। लो 10th क्वेश्चन एक और आ गया, वॉट फैक्टर रेस्पॉन्सिबल डाउन सिंड्रोम, मैंने आपको बताया डाउन सिंड्रोम का मतलब होता है जेनेटिक प्रोसेस से जो संबंधित प्रॉब्लम होती है उसको जेनेटिक बोलते हैं, ये आ गया। तो मैं समझता हूँ कि 100 क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, और 100 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन में 15 मान लेता हूँ भाई, 75 क्वेश्चन ऐसे हैं हर एक खिलाड़ी कर सकता है। और मैंने आपको बताया कोई भी एग्जाम देने जाओ 10 से 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो रेंज से बाहर होते हैं, तो उनको लेकर कभी हम परेशान नहीं होते। 75 क्वेश्चन अगर आप 70 भी कर दोगे ना टॉप कर दोगे, 68 भी कर दोगे टॉप कर दोगे। तो इस बात को आप समझ गए होंगे कि पेपर वास्तव में इजी था, और मास्टर्स वालों का ही पेपर इजी आने वाला है। और मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो नेक्स्ट तैयारी कर रहे हैं आने वाले 2025 के लिए, मैं सभी से बोलना चाहूँगा कि मैं जल्द ही बैच क्रिएट करने वाला हूँ, आप जुड़ सकते हैं। मैं लिमिटेड चीज़ों को, मतलब मैं बोल सकता हूँ लिमिटेड स्टूडेंट्स लेता हूँ, क्योंकि भीड़ इकट्ठा करेंगे तो आप जानते हैं, लिमिटेड लो सिलेक्शन दो। तो मैं समझता हूँ कि आज का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन आपको मिल गया है, और जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे। वीडियो जल्दी पहुँच गई हो तो कमेंट करना, पेपर आपका अच्छा गया हो तो कमेंट करना, वैसे बोलता नहीं हूँ कोई बात नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू, जय हिंद।